दैनिक के बारे में जो आपसे यहाँ नहीं बात, जब मोनू यहाँ आया था, नारायण 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 नारायण, व्यक्तित्व को छोड़ना बड़ा कठिन। 11 जून नारायण 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 11 जून आनंद रत्नाकर, व्यक्तित्व को छोड़ना बड़ा कठिन। ये जून के जो पृष्ठ हैं, बहुत सारे पृष्ठ पुरुषोत्तम योग परम पूज्य महाराष्ट्र के जो प्रवचन हुए श्रीमद् भगवद्गीता के 15वें अध्याय पर, तो नया संस्करण यानी पहले भी छपी थी पुरुषोत्तम योग, पर बाद में उसको फिर से साध्वी कंचन ने दूसरे अन्यत्र कहीं प्रवचन हुए थे तो उसको लिख के और उसको छपाया, तो उसी में से ये आज का पृष्ठ है और भी क्रम से आ रहे हैं ये पृष्ठ। 11 जून का आज का जो पृष्ठ है यानी 11 जून का जो पृष्ठ है वो व्यक्तित्व को छोड़ना बड़ा कठिन, ये शीर्षक है। और परम पूज्य महाराष्ट्री भगवद्गीता के 15वें अध्याय के 8वें श्लोक के व्याख्या में ये बात सुना रहे हैं। शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः गृहीत्वैतानि सम्याति वायुर्गंधा निवासया। इस श्लोक पर श्लोक का अर्थ है कि यह समर्थ जीव जो शरीर पाता है और जिसे छोड़ता है, उन सब में इन मन इंद्रियों को अपने साथ पकड़कर उसी प्रकार जाता है जैसे वायु पुष्पादि से गंध के साथ ले जाता है। ये 10 जून को आखिरी जो पैराग्राफ है उसमें बताया है, हृदय में बैठकर यह जीव मन इंद्रियों रूपी औजार से अपने को बांध लेता है। यानी इस समय जैसे ये शरीर मिल गया तो इसमें ये जीव बैठ गया, तो बैठकर मन इंद्रिय रूपी औजार से अपने को बांध लेता है। अच्छा, जीव जब संसार में आता है तो अपने औजारों यानी लिंग शरीर को लेकर आता है। जब यह जीव जाने लगता है कहीं, तब खोल को तो जहाँ का तहाँ छोड़ देता है, लेकिन भोग के साधनों यानी औजारों को अपने साथ लेकर जाता है। तो ये 10 जून के अंतिम पैराग्राफ में जो बात कही महर्षि ने कि ये जीव यात्रा कैसे करता है, तो वो यात्रा अपने औजार साथ में लेके जाएगा। औजार क्या है? लिंग शरीर। लिंग शरीर में पूरी अष्टक कहते हैं इसको, तो 8 चीज़ें हैं, ज्ञानेन्द्रियां पंचक, कर्मेंद्रियां पंचक, प्राण पंचक, अंतःकरण चतुष्टय और महाभूत पंचक और अविद्या कामना कर्म। ये 8 जो है पूरी अष्टक, ये इसके औजार हैं, इसको लिंग शरीर भी कहते हैं। तो इसको ये लेके जिस शरीर में जाएगा जीव जो है इसको लेके जाएगा। अच्छा, उसी को कह रहे हैं कि हृदय में बैठकर ये जीव मन इंद्रियों रूपी औजार से अपने को बांध लेता है। जीव जब संसार में आता है तो अपने औजारों यानी लिंग शरीर को लेकर आता है। अच्छा, अब समझो कि उससे जब जाना है तो ये क्या करता है कि जब ये जीव जाने लगता है कहीं, तब खोल को तो जहाँ का तहाँ छोड़ देता है। खोल तो फिर वो जो है घर वाले लोग है ना, उसका जो भी करना है करेंगे, लेकिन भोग के साधनों औजारों को, वो जो पुरियष्टक मैंने बताया, उनको अपने साथ लेकर जाता है। वो उसको चाहिए क्योंकि दूसरे जिसमें जाएगा है ना, तो उसमें उसको अपना भोग के साधन चाहिए। तो इस बात का वर्णन भगवान अगले श्लोक में करेंगे। तो ये जो अगला श्लोक जो है यानी ये जो था वो था 15वें अध्याय का 7वां श्लोक, मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। तो इस बात को महर्षि ने समझा दिया 10 जून में, अब 11 जून में समझा रहे हैं कि मैंने पहले श्लोक पढ़ा है, श्लोक क्या है? शरीरम यद वापनोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः, यह समर्थ जीव ईश्वर कहा ना, तो ईश्वर
जीव को ईश्वर थोड़ी कहते हैं, पर यहाँ ईश्वर का अर्थ है कि ये समर्थ है। हर कोई ऐसे थोड़ी कर सकता है, पर इसमें सामर्थ्य है कि अपना औजार साथ में लेके जाना है ना, कहाँ जाना है, कहाँ उसमें बैठना है, तो ये इसलिए उसको ईश्वर का। तो ये समर्थ जीव जो शरीर पाता है, जो शरीर पाता है ना, जैसे राजा भरत को मृग योनि मिली है ना, तो उसमें वो जाके सेट हो गया है ना, फिर मृग शरीर से फिर बाद में ब्राह्मण बालक बने, तो उसमें फिर वो जाके सेट हो गए। तो ये समर्थ जीव जो शरीर पाता है, अभी हम लोगों को ये शरीर मिला हुआ है, तो इसमें हम लोग अपना सेट हो गए। और जिसे छोड़ता है, चलो ये तो अभी मिला हुआ है, पर जो छोड़ने का समय आएगा तो दो बातें हैं, या तो ज्ञान पाके मुक्त हो गए है ना, तो अब छोड़ना और दूसरे शरीर में जाना वो सब झंझट खत्म है ना, पर समझो कि कोई वासना बनी हुई है, तो वासना बनी हुई है अब ये तो अपना इसी बार अमेरिका हो आवेगी, सब खत्म कर लेगी है ना, पर अगर वो वासना बनी हुई है तो फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका वाला काम नहीं हुआ है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि जिसे छोड़ता है, तो अब ये तो छूट गया, तो अब दूसरे में जिसमें जाएगा, उन सब में इन मन इंद्रियों को अपने साथ पकड़कर उसी प्रकार जाता है जैसे वायु पुष्पादि से गंध को साथ ले जाता है। तो मैंने कहा ना, हम वहाँ रहते थे और यहाँ रात रानी थी, तो हवा जो है वो गंध को लेके आ जाती थी हमारे कमरे में। तो ऐसे ही जैसे ये दृष्टांत दिया है भगवान ने, वायु गंधा निवासया, तो जैसे वायु पुष्पादि से गंध को साथ ले जाता है, वैसे ये जीव जो है वो, जैसे औजार क्या है, गंध है, तो जीव जो है इसको गंध के जैसे अपने साथ ले जाता है और वहाँ सेट हो जाता है जहाँ जाना है। तो इसी को शुरू से कहते हैं। क्या प्रश्न ये हुआ कि जीव का वह स्वरूप कैसा है जो संसार के आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है। अभी हमारा जो कठोपनिषद चल रहा है वो भी इसी को लेकर बहुत विस्तार में बताएंगे। कठोपनिषद में निशान गिरी जी भी और हमारे महर्षि भी, सातवां मंत्र है, दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का सातवां मंत्र है। तो यथा कर्म यथा श्रुतम, यानी जो हमारा कर्म है और जो हमारा उपासना, जो हमारी उपासना है, उस कर्म और उपासना के हिसाब से अगला जन्म यानी अगला शरीर तैयार रहेगा। उसमें बस वो जीव जो है चला जाएगा। जब तक तुम संसार में इंद्रियों और मन के द्वारा कोई भी भोग चाह रहे हो, तब तक तुम्हें व्यक्ति बनकर और उन इंद्रियों को स्वीकार करके सारा भोग करना पड़ेगा, क्योंकि तुम चाह रहे हो ना, तो ठाकुर जी तो देने को तैयार हैं, पर करना तुम्हें पड़ेगा। जिसके मन में भोग की वासना है वह व्यक्तित्व का परित्याग कर ही नहीं सकता। बोले भोग की तो वासना है और इधर कह रहे हैं कि हमको मुक्त होना है, तो बोले ऐसा बनेगा नहीं, क्योंकि जब तक भोग की वासना है तब तक व्यक्तित्व का त्याग नहीं हो सकता। तभी तो ये जो देखा जाता है ना, जो घर छोड़ के आ जाते हैं फिर बाद में कुछ वासना रहती है, तो हम लोग तो सोचते हैं भाई महात्मा है ना, पर वो व्यक्तित्व को नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि वो भोग की वासना जो है उसके कारण व्यक्तित्व परित्याग कर ही नहीं सकता। वस्तुतः जीव का आना जाना स्वरूप में नहीं है। भाई अब बात बीच में ब्रह्म की आ जाएगी, तो ब्रह्म की आ जाएगी तो भाई ब्रह्म में तो कहीं आना जाना है ही नहीं, आप ये क्या बात करने लगे। जो अद्वितीय है, ठसाठस ठोस है ना, कोई आने जाने की प्रश्न ही नहीं है ना, सच्चिद आनंद घन, घन का मतलब कोई चलने के लिए जगह ही नहीं है, तो वो परमार्थ सत्ता है। परमार्थ सत्ता का मतलब अद्वितीय है वो। तो ब्रह्म ये स्वरूप से बात नहीं हो रही है, साफ कह रहे हैं। वस्तुतः जीव का आना जाना स्वरूप में नहीं है, तुम यहाँ ब्रह्म की बात मत ले आना। तो बोले फिर ये कहाँ, ये किस में आएगा जाएगा? तो वो जो अचिंत्य शक्ति है ब्रह्म की, माया, उस माया के अंदर ये सब आना जाना लगा हुआ है, उसको कहते हैं उपाधि। तो उपाधि के साथ तादात्म्य होने के कारण है। तो क्या हुआ कि वही जो चेतन था, तो वो चेतन ने अपना, ये इसमें पुरंजन उपाख्यान में भागवत में बहुत बढ़िया आया है, अविज्ञात सखा और मतलब ठाकुर जी और ये जीव दोनों चल रहे थे, और जीव ने क्या किया कि एक बढ़िया सा पुर देखा। बोले इसमें बहुत बढ़िया दरवाजे हैं, बहुत बढ़िया लग रहा है ना, 9 दरवाजे और क्या क्या, तो बड़ा आकर्षित हुआ, तो अंदर चला गया।
तो अंदर थी वो है ना प्रमदा, तो प्रमदा जो थी बुद्धि, तो बुद्धि बोले कि तुमसे मुझे शादी करनी है, तो वो भी तैयार हो गई है ना। तो ये पुरंजन जो है वहाँ नगर में रहने लगा। अब नगर में रहने लगा तो अब बुद्धि जैसे नचावे वैसे नाचना पड़े, जीव जो है जीव फंस गया उसमें पूर्व में जाके, तो फंस काय को गया, वो तो वासना थी उसकी, भाई ठाकुर जी के साथ जा रहा था आराम से, दोनों स्वतंत्र थे, पर ये पूर्व में घुस गया। तो वही महर्षि बता रहे हैं कि उपाधि के साथ तादाद में होने के कारण है, यानी इसमें घुस गया ना। अब जब घुस गया तो वो फिर वो जो रोते मरते मरते वो पुरंजनी का है ना बुद्धि जिससे शादी कर ली उसी का ख्याल हुआ, तो उसको फिर पुरंजनी बनना पड़ा, स्त्री बना, स्त्री बन के फिर किसी राजा से विवाह हो गया, फिर वो राजा जब मर गया तो अब वो सती होने को तैयार, वही पुरंजन जो फिर पुरंजनी बना अब वो सती होने को तैयार। अब वो करुणा आई उसको, किसको, अभिज्ञात सखा को, भगवान को, तो अब वो सती बनने को तैयार था, रो रहा था, थी बोलना चाहिए, तो रो रही थी, था तो पुरंजन है ना, वही पुरंजनी बन गई। अब जब रो रही थी तो अभिज्ञात सखा ने ठाकुर जी ने कहा मेरे को पहचानता है, तो ध्यान नहीं आ रहा, ध्यान तो नहीं आ रहा, बोले तेरे हम लोग निकले थे साथ में थे, तुम पूर्व में घुस गया था, बड़ा दिमाग पे जोर डाला, भगवान ने कृपा करी तो याद आया कि हाँ हाँ ध्यान आ गया, हम साथ में थे, हम तो बड़े स्वतंत्र थे। तो बोले अब भी तुम स्वतंत्र ही हो, ये तो तुमने तादाद में कर लिया, इसलिए तुम जो है इसको अपनी मतलब ये मेरा पति है और ये मर गया और अब मुझे भी इसके साथ सती होना है, ये सब झंझट है ही नहीं। तो महर्षि कह रहे हैं कि वस्तुतः वस्तुतः जीव का आना जाना स्वरूप में नहीं है, है ना, ये बात बिल्कुल स्पष्ट समझ लेना चाहिए, क्योंकि जब अभिज्ञात सखा के साथ था तो बड़े आनंद में था, उपाधि के साथ तादाद में घुस गया उसमें पूर्व में, अब घुस गया उसमें तादाद में हो गया तो अब फंसा हुआ है। तो विवेक करके ये बात साफ साफ बताई जाती है, मतलब ये बात हमको समझ में कैसे आएगी कि तादाद में हो गया और है ना स्वरूप में ये कुछ नहीं है, तो वो विवेक जब हम करेंगे इसको 25 मई में, ये तो जून है ना, 25 मई में महर्षि ने मेरा अनुभव करके हमारा अनुभव है तो उसमें बड़ा बढ़िया समझा है हमारा अनुभव, तो पढ़ लेना कभी जी जी। तो इसमें बताया है कि चिदात्मा में विवेक के अंदर मैं चिदात्मा हूँ, और ये जो अंतःकरण और ये शरीर और ये सब जो है वो बिल्कुल पिंड के जैसे है ना, जैसे घड़ी और ये मोबाइल अलग पड़ा है वैसे ये सब अलग पड़ा है, मैं चिदात्मा हूँ, ये विवेक करना पड़ता है। तो वहाँ महर्षि ने कहा है कि उससे हमको बहुत बहुत फायदा हुआ, इस प्रकार हम करते थे तो विवेक करके इस बात साफ साफ बताई जाती है। अच्छा, अब यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि वो कैसे ये यात्रा करता है संसार के आवागमन चक्र में पड़ा हुआ कैसे है। जो प्रथम पंक्ति है ना, प्रश्न ये हुआ कि जीव का वह स्वरूप कैसा है जो संसार के आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ, यानी जीव के दो स्वरूप हो गए, एक तो ये आवागमन में चक्र में पड़ा हुआ स्वरूप और एक वो असली स्वरूप जिसमें अभिज्ञात सखा का मित्र था और कोई झंझट ही नहीं था, है ना, अपने मुक्ति है। तो मुक्त वाला स्वरूप की अभी चर्चा नहीं हो रही है अभी, ये क्योंकि प्रश्न उसका कर रहे हैं कि भाई ये आवागमन में कैसे जाता है, तो उसको समझा दिया कि ये समर्थ जीव जो शरीर पाता है और जिसे छोड़ता है उन सब में इन मन इंद्रियों को मतलब पूरी अष्टक को अपने साथ पकड़कर उसी प्रकार जाता है जैसे वायु पुष्पादि से गंध को साथ ले जाता है। अब महर्षि आगे बहुत सरल है, आगे ये समझाएंगे कि कोई पापी आदमी है उसको अब मरते वक्त क्या ध्यान में आएगा, जो पुण्यात्मा है उसको क्या ध्यान में आएगा, और जो सामान्य है उसके क्या ध्यान में आएगा। तो पापी जो है तो अंत समय में जब पाप याद आते हैं तो लगता है कि हाय हाय हमको तो यमराज के दूत लेने को आ गए, बस वो जो ऐसा सोचा ना तो जीव की इतनी तन्मयता हो जाती है कि हमारा शरीर चारपाई पर पड़ा है ये ख्याल छूट जाता है, वह यातना शरीर को प्राप्त हुआ। अब यमराज तो जो पाप का जो देंगे फल तो उसको यातना शरीर कहते हैं, तो यातना शरीर मतलब उसको कढ़ाई में गरम गरम लोहा पिघल रहा है
उसमें भी उस शरीर को डाल दो तो शरीर बना रहेगा, है ना, शरीर जलेगा नहीं, बस यातना होगी, कष्ट होगा उससे। तो यातना शरीर जो मिलता है पापी को, तो कैसे मिलता है, बोले कि सोते सोते उसको ध्यान आता है हमारे पाप इतने हैं, और उतने में ही बस वो चारपाई पर जो शरीर छोड़ा उनमें से मन इंद्रियों को निकाल लेता है। अब वो कोई प्रेम से थोड़ी निकालता है, पर वो अब पाप का फल भोगना ही पड़ेगा ना, इसलिए उसको वो यातना शरीर में चला गया। जीव इन इंद्रियों और मन को अपने साथ लेकर नए शरीर में जाता है। तो महाराष्ट्र कहते हैं वो यातना शरीर जो भगवान देते हैं उसमें भी भगवान की कृपा है, क्योंकि वहाँ जो है उसको यातना दी जाएगी ना तो उसमें शुद्धि हो जाएगी, उसमें उसके सब पाप आप सब खत्म हो जाएंगे, है ना, वो भी भगवान की कृपा है। तो जीव इन इंद्रियों और मन को अपने साथ लेकर नए शरीर में जाता है, जैसे हवा चंपा के फूलों के ऊपर से निकले तो उसकी गंध ले जाती है, ठीक है। अच्छा, समझो पुण्यात्मा है तो, अथवा अंत समय में कहीं किए हुए पुण्य की याद आ गई तो कानों में रुनझुन रुनझुन की आवाज़ें सुनाई देती है और लगता है कि ये स्वर्ग में स्वर्ग से विमान आ गया, है ना, विमान में देवदूत हमको बड़े प्रेम से बुला रहे हैं, आइए आइए, है ना, मानो देवदूत हमारा हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से चंदन लगाकर माला पहनाकर हमारे सूक्ष्म शरीर को लिए जा रहे हैं, यानी ये सब उसको अनुभव में आता है। पापी को वो यातना वाला और पुण्यात्मा को ये, और ये दूसरा जो वासना वाला है उसका भी सुन लो। अथवा कहीं शरीर छूटते समय खाने पीने की याद आ गई, स्त्री पुत्र की याद आ गई, उधर का बंद कर दो, आज पूरी रात नहीं था ना, इन्वर्टर खत्म हो जाएगा, आगे आगे बैठो, जनरेटर चला रहे हैं, मशीन है ना, इधर वो उसको कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फर्श को बना रहे हैं ना। तो अथवा कहीं शरीर छूटते समय खाने पीने की याद आ गई, स्त्री पुत्र की याद आ गई, तो ऐसा ही शरीर बनकर वह भीतर ही भीतर दिखने लगा, नहीं ना तो यातना शरीर न देवदूत का, है ना, पर क्या वही मनुष्य शरीर मिल गया। अब नया सपना रह गया और ये जो सपना है ये छूट गया। नया सपना कितनी देर तक रहेगा, बोले कि जब तक तुम्हारे कर्म संस्कार का वेग रहेगा उतनी देर तक रहेगा। जो वासना तुम्हारी है, हम इस शरीर में जो बैठे हैं, कोई न कोई पूर्व जन्म में कोई वासना थी, तो क्या वासना थी, बोले भाई ठाकुर जी का दर्शन करना है, हैं, कोई संत मिले होंगे पूर्व जन्म में, आप हो हम हो, है ना, तभी तो साईं के परिवार में आ गई रचना, तो आप तो साईं के परिवार में है ही है, हम पहुंच गए लुढ़कते पुढ़कते महाराष्ट्र के चरणों में, है ना। तो ये क्या हुआ, बोले कि पूर्व जन्म की वो वासना थी, तो वासना थी तो उसमें वासना दोनों रहती है, सिर्फ भजन की नहीं, थोड़े खाने पीने की भी रहती है, तो खाने पीने की वासना भी पूरी हो जाती है और फिर वो समय आता है तब भजन में लग जाता है। अब कह रहे हैं ना कि टीवी बंद करके अब महाराज जी का सुनेंगे, है ना, तो ऐसा होता ही है, हर एक के इसमें होता है। वो सुना है ना आचार्य जी ने, बहुत बढ़िया बात सुनाई, बोले कि आपको भी सुनाई शायद नाश्ते के समय, हमने कहा कि इनको सुनाओ, तो बोले कि हम गए कोई पुस्तक लेने तो शटर बंद कर दिया, है ना, तो शटर बंद कर दिया, बोले पीछे से निकलो, तो पीछे से निकलो तो वहाँ कुछ सत्संग चल रहा था, है ना, तो वो जो हमको जिसने पुस्तक दी बोले कि थोड़ा बैठ लो, है ना, सत्संग चल रही है, तो बोले हमको तो कोई मतलब ही नहीं था सत्संग से, हम तो कोई पुस्तक लेने गए थे बस उतना ही हमारा मतलब था। तो बैठे तो बोले कि हर सोमवार होता, हर रविवार होता है, आ जाया करो, तो बोले कि हमने सोचा चलो हर रविवार तो नहीं, सब महीने में एक बार, फिर महीने में एक बार जाने लगे तो बड़ा रुचि आई, तो फिर कहा कि महीने में दो बार, फिर महीने में तीन बार, ऐसे करके, तो होता ऐसे ही है सबका। तो कह रहे हैं कि वो जो है कर्म संस्कार का वेग रहेगा उतनी देर तक रहेगा। अंतिम वाक्य में महाराष्ट्र कह रहे हैं कि जीव के सच्चे स्वरूप को समझोगे, सच्चा स्वरूप क्या है, वही ब्रह्म, तब तो यह आवागमन छूट जाएगा, और नहीं समझोगे तो नहीं छूटेगा। इसलिए इसको छुड़ाने के लिए अपने स्वरूप को जानना जरूरी है। तो भगवान 15वें अध्याय में इसकी बात इसलिए कर रहे हैं कि पहले इसको समझ लो और फिर इससे कैसे छूटना है वो भी 15वें अध्याय में बताएंगे। तो जितने भी प्रश्न आएंगे इसमें क्रम से, ये 11 जून का आज पूरा हुआ,
हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत।